आज करतारपुर कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। पंजाब के गुरदासपुर में होगा कार्यक्रम। डेरा बाबा नानक से करतारपुर साहिब तक की सड़क का होगा शिलान्यास। पंजाब के गुरदासपुर जिले के मानगांव में होगा कार्यक्रम। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति के अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरसिमरत कौर भी शामिल होंगी। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह भी रहेंगे मौजूद। पाकिस्तान के निमंत्रण पर अमरिंदर ने उसको ठुकराया। पंजाब में हो रहे आतंकी हमलों को बताया वजह। मुंबई के 26/11 हमलों की 10वीं बरसी। आज पाक में रह रहा है हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद कानून की गिरफ्त से बाहर। नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा ने कहा देश की समुद्री सीमाएं सुरक्षित, अब 26/11 की तरह हमला मुमकिन नहीं। वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम ने कहा मुंबई हमले के मास्टरमाइंड को सजा दिलाने के प्रति गंभीर नहीं है पाकिस्तान। अमेरिका के विशेषज्ञों ने चेताया मुंबई हमलों की तरह किया गया कोई भी हमला अब भारत नहीं करेगा बर्दाश्त, ऐसा हुआ तो छिड़ सकता है युद्ध। कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, पिछले 72 घंटों में 13 आतंकवादियों को किया ढेर। रविवार को सुरक्षा बलों ने 7 आतंकियों को मारा, शोपियां में 6 और पुलवामा में 1 आतंकी मारा गया। 23 तारीख को भी सुरक्षा बलों ने 6 आतंकवादियों को मार गिराया था, मरने वालों में पत्रकार शुजात बुखारी, हत्याकांड में शामिल एक आतंकी था। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की धर्म सभा में पहुंचे लाखों लोग, राम मंदिर निर्माण पर चर्चा हुई। निर्मोही अखाड़े के रामजी दास ने की घोषणा, राम मंदिर के निर्माण का ऐलान कुंभ में, 2019 में प्रयागराज में होगा कुंभ। स्वामी भद्राचार्य ने धर्मसभा में कहा उनकी बात सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री से हुई है, उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर के बाद पीएम मोदी इस पर फैसला ले सकते हैं। अयोध्या में उद्धव ठाकरे ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा चुनाव के वक्त राम राम, बाद में आराम आराम। उद्धव ने की सरकार से मांग, इसी शीतकालीन सत्र में मंदिर बनाने के लिए कानून लाए सरकार, समर्थन देने की बात कही। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा सरकार अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए तत्काल कानून बनाए। नागपुर में जन हुंकार रैली को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा सुप्रीम कोर्ट मंदिर मामले को नहीं दे रही प्राथमिकता, ऐसे में न्याय में देरी न्याय न मिलने के समान। अयोध्या में धारा 144 का उल्लंघन पर भड़के आजम खान, कहा यह धारा केवल मुसलमानों के लिए, बीजेपी आरएसएस के लिए नहीं। मेरठ में मुस्लिम महिला मंच की कार्यकर्ता ने की बैठक, अयोध्या में राम मंदिर बनाने की मांग। मध्य प्रदेश में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, 28 तारीख को डाले जाएंगे वोट। मोदी ने कांग्रेस को घेरा, कहा मेरी मां के बाद अब पिता का नाम घसीटा जाएगा कांग्रेस द्वारा। मोदी ने मध्य प्रदेश में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कांग्रेस लोगों का विश्वास खो चुकी है और राहुल गांधी की शह पर मुझको गालियां दी जा रही हैं। राजस्थान में चुनाव प्रचार की शुरुआत राहुल करेंगे मंदिर और दरगाह से, अजमेर शरीफ की दरगाह और पुष्कर की ब्रह्मा मंदिर में करेंगे दर्शन। राजस्थान में राहुल देंगे वसुंधरा को चुनौती, जैसलमेर जलौर और जोधपुर में करेंगे सभाओं को संबोधित। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आज, केजरीवाल पर हुए मिर्ची अटैक पर होगी चर्चा। रायबरेली की जेल से अपराधियों को राज चलाने की खुली छूट, अपराधियों को मिल रही है सभी सुविधाएं। 2007 अजमेर ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी सुरेश नायर पकड़ा गया, गुजरात एटीएस ने भरूच से पकड़ा। जम्मू से दिल्ली जा रही पूजा एक्सप्रेस को पठानकोट जंक्शन पर रोककर पंजाब पुलिस ने 6 संदिग्धों को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। राजस्थान में कांग्रेस ने की बागी नेताओं पर कार्रवाई, 28 नेताओं को पार्टी से निकाला। अभिनेत्री नगमा ने शिवपुरी में किया चुनाव प्रचार, कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव जिताने की अपील की। यूपी बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने कहा ओम प्रकाश राजभर की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, सरकार में मंत्री और सहयोगी है राजभर। दिल्ली में रविवार को टॉलस्टॉय मार्ग से जंतर मंतर तक क्वीन परेड का आयोजन किया गया। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पर हो रहे हादसों को लेकर सख्त हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, एक दिन में काटे 364 चालान। नई दिल्ली से अगवा किए गए 4 साल के बच्चे को पुलिस ने राजस्थान के सीकर से सकुशल छुड़ाया, एक गिरफ्तार।
भीमामी के प्रमुख चंद्रशेखर आज जाएंगे अयोध्या का वीएचपी का कार्यक्रम मतदाताओं को भरमाने के लिए।